आप सभी को स्वागत है तक्षण गम ट्यूशन क्लासेस में। मैं हिंदी के अध्यापन के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी भाषा की मूल प्रति है, या ये कहा जाए कि वर्णमाला के द्वारा ही पूरी भाषा का उद्भव हुआ है। आप जब वर्णों को पढ़ते हैं, उसके बाद वर्णों के समूह से शब्द बनाते हैं, शब्दों के समूह से आप वाक्य बनाते हैं, वाक्यों के समूह से भाषा का निर्माण होता है। तो मूल इकाई या भाषा की मूल इकाई, या आपसे पेपर में प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है, तो भाषा की मूल इकाई वर्ण होती है। अब हम लोग भाषा का अध्ययन करते हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है आपके सामने, आप देखेंगे भाषा शब्द भास से बना हुआ है। भाषा शब्द भास से बना हुआ है और भास का अर्थ होता है बोलना। बोलने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्वनि, और ध्वनि का ही दूसरा नाम क्या है, वर्ण। यानी आपसे जब पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। अथवा आपसे कहा जाए कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, तो आप वर्ण की परिभाषा के आधार पर लिखेंगे कि भाषा की सबसे निम्नतम या सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी, सबसे छोटा यूनिट होगा, उसको वर्ण कहा जाएगा। अब इन्हीं वर्णों का समूह मिलकर किसका निर्माण करेगा, वर्णमाला का निर्माण करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और वर्णों को दो क्रमों में बांटते हैं। एक चीज और सुन लीजिए, आपने बार बार पढ़ा होगा या शुरू से हम लोग वही चीजें पढ़ते आते हैं कि वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर। वर्ण का ही दूसरा नाम क्या होता है, अक्षर। क्षर माने खत्म हो जाना, द्रोणित हो जाना, और आ माने नहीं। जो ये आगे उपसर्ग लगा है, इसका मतलब है नहीं, और क्षर माने खत्म हो जाना। तो ऐसे भाषा की वह इकाई जो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो क्या कहलाती है, वह वर्ण कहलाती है। अब वर्णों को दो क्रमों में बांटा गया है, या फिर वर्णों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहले तौर पर आप लिखते हैं, जैसे मैं बीच में वर्ण लिख दूं, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन दोनों में क्या अंतर है, उनको समझने के लिए आपको इनको अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। तो अलग अलग तरीके से पढ़ने के लिए स्वर किसे कहते हैं, तो दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं किसी भी वर्ण की। या तो वह वर्ण स्वतंत्र अवस्था में होगा। अब स्वतंत्र अवस्था का क्या मतलब है, या तो वर्ण स्वतंत्र अवस्था में होगा अथवा वर्ण संयुक्त अवस्था में होगा। संयुक्त और स्वतंत्र में अंतर को आप समझ सकते हो। स्वतंत्र का मतलब कि वर्ण की जो अवस्था है या जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, उसको किसी भी प्रकार के वर्ण से नहीं बनाया गया। जो कुछ भी वर्ण है वह सभी कुछ किस अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में है। यानी आप छोटा आ से लेकर जो औ तक लिखते हैं, छोटा आ से लेकर औ तक लिखे जाने वाले वर्ण किस अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हीं स्वतंत्र अवस्था के कारण उनको क्या नाम दिया गया है, स्वर का नाम दिया गया है। दूसरा प्रकार होता है व्यंजन। व्यंजन का अर्थ होता है संयुक्त अवस्था, यानी स्वरों की सहायता से। अब इसमें स्वर और उसकी सहायता से, यानी स्वर की सहायता से बनने वाला वर्ण, स्वर की सहायता से बनने वाला वर्ण क्या कहलाता है, व्यंजन के तौर पर जाना जाता है। तो तीन चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की मूल इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कि वर्ण कितने प्रकार से बांटे गए हैं, तो वर्णों को दो प्रकार से बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर स्वतंत्र अवस्था होती है, किसी भी वर्ण की वह अवस्था जिसको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। छोटा आ से लेकर औ तक लिखे जाने वाले सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर के तौर पर जाने जाते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसी भी वर्ण की संयुक्त अवस्था होती है, यानी स्वरों की सहायता से बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन के तौर पर जाने जाते हैं। अब आप आते हैं इनके वर्गीकरण पे, अर्थात इनकी संख्या का वर्गीकरण किया जाएगा। अब वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से मूलतः किया गया है,
या तो आप उच्चारण के आधार पर वर्णों को जानते हैं और या तो आप लेखन के आधार पर वर्णों को जानते हैं। उच्चारण और लेखन में क्या अंतर होता है? किसी भी भाषा को प्रकट करने के मात्र दो तरीके हैं, तीन तरीके माने जाते हैं, परंतु दो तरीकों का हम प्रयोग करते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है संकेतित। मौखिक माने मुख के द्वारा प्रकट किए जाने वाले वर्णों की तरीके को मौखिक भाषा कह देते हैं। लिखने के द्वारा आप लिखकर किसी वर्ण को प्रकट करते हैं, किसी शब्द को, किसी वाक्य को, किसी अभिव्यक्ति को, तो वह लिखित भाषा हो जाती है। और संकेतों के द्वारा जब आप प्रकट करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा हो जाती है। तो मौखिक और लिखित यानी उच्चारण और लेखन दो प्रकार से उनको बांटा गया है। अब आपसे कहा जाए कि वर्ण उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं और लेखन के आधार पर कितने होते हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आपको संख्याएं याद रखनी है क्योंकि संख्याएं पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। आप देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं और 35 वर्ण, 35 व्यंजन होते हैं। आप कुल मिलाकर देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर 35 वर्णों की पुष्टि हुई है, या उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण पाए जाते हैं, तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो 13 स्वर होते हैं, उसके बाद 35 व्यंजन होते हैं। आप यहां पर कुल मिलाकर संख्या को 52 पाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि 52 संख्या किस प्रकार से आई, तो 13 स्वर, 35 व्यंजन, उसके बाद 4 संयुक्त। आप इस संख्या को जोड़िए, 5 4 9 3 12 का 2 ऐसे लगाइए, 3 4 1 5, तो ये कितने हो गए, 52 हो गए। 13 क्या है, इसमें स्वर है। 35 क्या है, मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन दो प्रकार से आपके पेपर में आता है कि मूल व्यंजनों की संख्या या तो 33 या फिर 35। तो मूल व्यंजनों की मूल संख्या होती है 33, और दो जब उनमें और ह्रस्वता के तौर पर जोड़ा जाता है तो मूल व्यंजनों की संख्या 35 लेखन के आधार पर मान ली जाती है। 4 संयुक्त वर्ण आप इसमें नहीं जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये 4 संयुक्त वर्ण नहीं है। संयुक्त वर्णों को हम इनमें कोई भी किसी भी प्रकार से जोड़ नहीं सकते। 4 वर्णों को और जोड़ा जाएगा, आगे आप जब सारणी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। 13 स्वर, 35 व्यंजन, उसके बाद 4 और, कुल मिलाकर 52 वर्णों की पुष्टि होती है। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 45, और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52। याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं स्वर की तरफ, यानी वर्ण के आपने दो पार्टीशन देखे, एक स्वर और एक व्यंजन। अब स्वरों को पढ़ने के लिए आपको मैंने स्वर के बारे में भी बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वर किसे कहा जाता है। अब स्वर किसे कहा जाता है इसको जानने के लिए आपको स्वरों का अध्ययन करना होगा। उस स्वरों के अध्ययन के लिए आप देखेंगे कि स्वतंत्र अवस्थाएं जो भी होंगी वर्ण की, यानी ऐसी अवस्थाएं जिनको किसी भी प्रकार के अदर वर्ण की या किसी भी प्रकार के विभिन्न जो दूसरे वर्ण है उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे स्वर कहा जाएगा। अब स्वर किसे कहते हैं और स्वर का वर्गीकरण। स्वर आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे कि स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर के तौर पर जाने जाते हैं। यानी स्वतंत्र अवस्था में जो भी वर्ण प्राप्त होंगे उनको क्या कहा जाएगा, स्वर के तौर पर जाना जाएगा। अब स्वरों को बांटने के तरीके को देख लेते हैं या स्वर क्या होते हैं। आप यहां से चलेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग और आ। ध्यान पूर्वक सभी को समझिएगा। आप यहां से लेकर छोटा आ से लेकर आ तक सब कुछ गिनेंगे तो आपको संख्या कितनी मिलेगी, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप देखेंगे, मैंने बताया था अभी आपको कुछ ही मिनटों पहले कि लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 13। अब आप इनमें से तीन, री से ऋषि, अंग और आ, तीन को आप ब्रैकेट्स में क्लोज कर लीजिएगा या कोष्ठक में बंद कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इन तीन वर्णों को यदि अलग कर दिया जाए तो बचे हुए वर्ण कितने बचे, 10।
यानी जब आपसे पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। अब प्रश्न दो तीन प्रकार से पूछे जाते हैं कि यदि आपको उच्चारण के आधार से लेखन के आधार पर पहुंचना है तो निम्न में से किन वर्णों को आप उसमें जोड़ देंगे। तो री से ऋषि, अंग से अंगूर और आहा, इन तीन को जब आप जोड़ देंगे तो आप उच्चारण के आधार से लेखन के आधार पर पहुंच जाएंगे। या फिर पूछा जाए कि लेखन के आधार से यदि उच्चारण के आधार पर पहुंचना है तो किन तीन वर्णों को हमको हटाना होगा, तो री से ऋषि, अंग और आहा को हमको हटाना होगा। यदि हम इनको हटा देते हैं तो हम लेखन के आधार से उच्चारण के आधार पर पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि स्वरों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, ये लिखा है छोटा आ, ये है बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ में क्या अंतर है? छोटी ई बड़ी ई, इसके बाद लिखा है छोटा उ बड़ा उ, फिर ए, फिर आए ओ अ। आगे देखिएगा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। अब मात्रा क्या होता है? उच्चारण तो आप समझते ही, या उच्चारण का ये दूसरा नाम क्या होता है? मात्रा। किसी भी वर्ण को बोलने में या किसी भी वर्ण को प्रकट करने में, किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय, किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? उसकी मात्रा कहलाता है। तो इस बात को विशेष तौर पर याद रखेंगे कि जब भी आपसे मात्रा की परिभाषा पूछी जाए तो वर्ण को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा के तौर पर जाना जाता है। अब हम स्वरों को मात्रा के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा कि स्वरों को मात्रा के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी हिंदी का और इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अब स्वरों को मात्रा के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीन प्रकार से वर्गीकरण है। ह्रस्व का क्या मतलब होता है, दीर्घ का क्या मतलब होता है और प्लुत का क्या मतलब होता है? अर्थात जहां पर या जिन वर्णों में आपको एक मात्रा की आवश्यकता होती है या जहां पर एक मात्रा पाई जाती है, जिन वर्णों में एक मात्रा पाई जाती है वह क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर के तौर पर जाने जाते हैं। जहां पर दो मात्रा पाई जाती है, एक से अधिक और एक संख्या और बढ़ गई तो कितनी हो गई? दो। जहां पर दो मात्रा पाई जाती है वह क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर के तौर पर जाने जाते हैं। अब जहां पर आप पेपर में देखें, किताबों में देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा तीन मात्रा पाई जाती है, परंतु यदि एक और पुष्टि की जाए कि तीन मात्रा का मतलब दो प्लस भी कहा जा सकता है। तीन मात्रा यदि आप कहेंगे तो तीन से ज्यादा का भी समय आप ले सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा। जहां पर तीन मात्रा या दो से अधिक मात्राएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लुत स्वर का नाम दिया गया है। अब इन तीनों को वर्गीकृत करना है हमको कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और प्लुत स्वर कौन से हैं। तो आपने ये देखा मात्रा और उच्चारण के आधार पर वर्ण को तीन प्रकार से, स्वरों को तीन प्रकार से आप बांट सकते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। जहां पर एक मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है।
जहां पर दो मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। जहां पर तीन मात्रा या दो से अधिक मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर के तौर पर जाना जाता है। अब ह्रस्व स्वर को यदि आप देखें तो एक मात्रा आपको इसमें इसमें और इसमें देखने को मिलेगी। अब आप ऊपर देखिए, एक मात्रा है, एक मात्रा और एक मात्रा, यानी ऐसे स्वर जहां पर एक मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, या ऐसे मान लिया जाए कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर के तौर पर जाने जाते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से रिसी किसके तौर पर जाने जाते हैं? ह्रस्व स्वर के तौर पर जाने जाते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर को आप देखेंगे तो दीर्घ स्वर का मतलब होता है जहां पर दो मात्राएं पाई जाती हैं। अब दो मात्राएं किसमें किसमें है ये देखिएगा, तो दो मात्राएं देखने के लिए आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और अ पाया जाता है। अब आप देखेंगे कि दीर्घ स्वर के तौर पर ये तो समझ में आता है, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, यहां से लोगों को समझ में आना बंद हो जाता है कि ए, आई, ओ और औ में दो दो मात्राएं किस प्रकार से प्रकट होती हैं। आगे जब आप संधि चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ए का जो उच्चारण है वो छोटा आ और ई से मिलकर होता है, जबकि जो ओ का उच्चारण है वो छोटा आ प्लस ऊ से मिलकर होता है। यानी आपको ये पता चलेगा ये दो दो वर्णों के सहयोग से मिलकर बनने वाले वर्ण है। छोटा आ और छोटा ऊ के सहयोग से मिलकर बनने वाला है ओ, और छोटा और छोटी ई के सहयोग से मिलकर बनने वाला है ए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वर के तौर पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ को पाया जाता है। आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आपने ऊपर देखा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से रिसी, जबकि नीचे आपने देखा बड़ा आ, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ, यानी ऊपर चार और नीचे सात। अब आपने 11 वर्णों को वर्गीकृत कर दिया है। अब प्लुत स्वर क्या होता है? अब आपके पास तो 13 वर्ण उपस्थित थे, आपने 11 वर्णों को पहले से वर्गीकृत कर दिया। अब तीन मात्राएं कहां से लाएंगे? तो तीन मात्राओं का क्रम जानने के लिए आपको उच्चारण सीखना होगा कि उच्चारण क्या होता है। आपने देखा हो कि हिंदू धर्म में एक साइन होता है या एक सिंबल होता है जिसको कहते हैं ओ। अब ओम का उच्चारण आपकी श्वास पर निर्भर होता है कि आप अपनी श्वास का जितना देर तक प्रयोग कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो दो से अधिक मात्राएं भी इसमें कहा जा सकता है, या तीन मात्राएं ही मैं कह दूं। तो आप जिन वर्णों के उच्चारण में अपनी श्वास को रोक कर उसको जितनी देर तक उच्चारित कर सकते हैं वह उतना ही बड़ा प्लुत स्वर बन सकता है। या आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्लुत स्वर कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्लुत स्वर ओम स्वर का उच्चारण है। ठीक, इसके बाद आपने ऐसे वर्ण शायद कहीं लिखे देखे हो, ना लिखे देखे हो तो आज देखिए, ये लिखा हुआ है राम। अब इस राम का मतलब राम नहीं है, इस राम का मतलब ये जो बीच में दो एस बनाए मैंने, इसका मतलब होता है दो मात्रा। इसको वर्तुल मात्रा भी कहते हैं या वर्तुल रेखा भी कहते हैं। ये पाई होती है जिसका मतलब होता है एक, और ये वर्तुल होती है जिसका मतलब होता है दो। पाई का मतलब एक और वर्तुल का मतलब दो। जहां पर आपको दो से अधिक मात्राएं प्रयोग करने को मिल गई, इसमें ही दो मात्रा थी, उसके बाद दो ये प्रयोग की, दो ये प्रयोग की, फिर एक प्रयोग की, दो से अधिक मात्रा का उच्चारण होने के कारण ये कौन सा स्वर बन जाएगा? प्लुत स्वर बन जाएगा। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत किया हमने ह्रस्व स्वर को। जहां एक मात्रा पाई जाती है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। कुल चार वर्ण हमारे पास हैं आ, ई, ऊ और री। इसके बाद दीर्घ स्वर के तौर पर हमने उसको वर्गीकृत किया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ, औ, कुल हमारे पास सात वर्ण हो गए। प्लुत स्वर के तौर पर उच्चारित किया, दो से अधिक मात्राओं का समय लगेगा, सबसे बड़ा प्लुत स्वर कौन सा हो जाएगा? ओम ध्वनि का उच्चारण सबसे बड़ा प्लुत स्वर होगा। और जैसा मैंने ये शब्द लिखा इसी प्रकार के भिन्न भिन्न शब्द आपको लिखे हुए मिल सकते हैं जो प्लुत स्वर को उच्चारित करते हैं। अब आगे आप समझिएगा कि आपने मात्रा और उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत किया और आपने इसको तीन प्रकार से वर्गीकरण सीख लिया। तीन प्रकार से वर्गीकरण सीखने के बाद अब आपको मुख द्वार के आधार पर वर्गीकरण सीखना होगा। पहले आप जिभ्या के आधार पर वर्गीकरण सीख लीजिए।
कि जिभ्या के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। जिभ्या का मतलब जीभ, आपके मुंह में जो जीभ है उसके आधार पर वर्णों को, स्वरों को वर्गीकृत किया गया। अब उसके आधार पर स्वरों को वर्गीकृत करने के लिए भी तीन खंड का ही हमको प्रयोग करना होता है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे जिभ्या या जीभ के आधार पर वर्गीकरण। अब जिभ्या और जीभ के आधार पर कैसे वर्गीकरण होगा, तो इसको तीन प्रकार से ही विभाजित किया गया है। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए ये आपकी जिभ्या है, ये क्या है आगे का भाग है, ये क्या है मध्य का भाग है, और ये क्या है पश्च का भाग है। तो इसको क्या कहेंगे अग्रभाग, इसको क्या कहेंगे मध्य भाग, और इसको क्या कहेंगे पश्च भाग यानी पीछे का भाग। तो जिभ्या के आधार पर तीन प्रकार से स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। तो पहला स्वर होगा अग्र स्वर, यानी आपके जिभ्या का जो सबसे आगामी हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, उसको आप अग्र स्वर के तौर पर जानेंगे। आपकी जिभ्या का जो बीच का हिस्सा है उसको आप मध्य स्वर के तौर पर जानेंगे। आपकी जिभ्या का जो पीछे का हिस्सा है उसको आप पश्च स्वर के तौर पर जानेंगे। हमने इसके पहले उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत को देखा था। अब हम जिभ्या के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें हम अग्र मध्य और पश्च को देखेंगे। जीभ के आगे का भाग प्रयोग किया जाएगा तो अग्र स्वर हो जाएगा, जीभ के मध्य का भाग प्रयोग किया जाएगा तो मध्य स्वर हो जाएगा, जीभ के पीछे का भाग प्रयोग किया जाएगा तो पश्च स्वर के तौर पर जाना जाएगा। मैं इसके आगे लिख भी देता हूं, जीभ के या जीभ का अगला भाग प्रयुक्त, जीभ का मध्य भाग प्रयुक्त, उसके बाद तीसरा होता है जीभ का पिछला भाग प्रयुक्त। तो आपको ये याद रखना है कि जीभ का जब आगे का भाग प्रयुक्त होगा तो अग्र स्वर, बीच का भाग प्रयोग होगा तो मध्य स्वर, और जीभ का जब पीछे का भाग प्रयोग होगा तो पश्च स्वर के तौर पर जाना जाएगा। अब इसके आधार पर आपको वर्गीकृत करना है कि जीभ का आगे का भाग के आधार पर कौन से वर्ण है, जीभ के मध्य भाग के आधार पर कौन से वर्ण है, और जीभ के पिछले भाग के आधार पर कौन से वर्णों को पाया जाएगा। तो इसी को मैं मिटाकर इसी में सामने लिखे देता हूं कि जीभ के आगे के भाग के आधार पर कौन से स्वर पाए जाएंगे, जीभ के मध्य भाग के आधार पर कौन से स्वर पाए जाएंगे। जीभ के आगे के भाग के आधार पर छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय को विभाजित किया गया है। जीभ के मध्य भाग के आधार पर एकमात्र वर्ण है जो अनास वर्ण है, छोटा हा, और जीभ के पीछे के भाग के आधार पर बचे हुए सारे वर्ण आप लिख देंगे, वो जीभ के पीछे के भाग के आधार पर प्रयोग कर दिए जाएंगे। जीभ के पीछे के भाग के आधार पर प्रयोग कर दिए जाएंगे। अब एक वर्ण इनमें से छूट गया जिसको कहते हैं री से ऋषि। री से ऋषि आपको कहीं पर मध्य स्वर में लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पर पश्च स्वर में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। परंतु यदि पेपर में पूछा जाए कि री से ऋषि किस स्वर के अंतर्गत आता है तो उसमें आप पश्च स्वर पर ही चिन्ह को लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अग्र स्वर के आधार पर छोटी बड़ी ए और ए। अब ए और ए इसके साथ क्यों लिए गए, उ और औ इसके साथ क्यों लिए गए, इसका रीजन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ए का प्रयोग करने के लिए आपको छोटा आ प्लस ई का प्रयोग करना पड़ता है, यानी जिस वर्ण के प्रयोग के लिए ई का प्रयोग होता है वह ए है, तो ये भी क्या बन जाएगा अग्र स्वर बन जाएगा। और ओ का प्रयोग करने के लिए आपको छोटा आ प्लस ऊ का प्रयोग करना होता है, या छोटा आ प्लस बड़ा ऊ का प्रयोग, या बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ का प्रयोग, या फिर बड़ा आ प्लस बड़ी ई का प्रयोग, इस प्रकार से आप संधियों में पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए और ओ में क्यों अंतर पड़ता है, तो ए जो है वो ई और आ के सहयोग से बनता है इसलिए अग्र स्वर हो जाएगा, ओ जो है वह आ और ऊ के सहयोग से बनता है इसलिए पश्च स्वर हो जाएगा। तो आपने दो प्रकार से वर्गीकरण सीखा, पहला
जीव उसके जीव उच्चारण के आधार पर और दूसरा जिभ्या या जीव के आधार पर वर्गीकरण। इसमें भी तीन प्रकार आपने सीखे, अग्र, मध्य और पश्चिम, और उसमें भी आपने तीन प्रकार सीखे थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे देखिएगा, अब अगला जो वर्गीकरण होगा वो मुख द्वार के आधार पर वर्गीकरण होगा। अगला वर्गीकरण किसके आधार पर होगा? मुख द्वार के आधार पर वर्गीकरण। अब मुख द्वार के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। अब मुख द्वार के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि मुख खुला है तो उसको कहते हैं विवृत स्वर, यदि मुख खुला है तो उसको क्या कहा जाता है? विवृत स्वर। और यदि मुख बंद है तो उसको क्या कहा जाता है? संवृत स्वर। यानी मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर वर्गीकरण जब आप करते हो तो पहला पार्ट विवृत और दूसरा पार्ट संवृत। अब इसको दो प्रकार से और विभाजित किया गया, एक होता है विवृत और एक होता है संवृत। पहले इन्हीं दो भागों को हम समझते हैं, फिर उसके बाद उनसे बनने वाले दो भागों को हम समझेंगे। अब विवृत स्वर में आप देखेंगे कि इसकी परिभाषा के अनुसार लिखा जाए तो मुख खुला होने पर जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं? विवृत स्वर। यानी आप जब मुख को खोलते हैं पूरी तरीके से और जिन वर्णों को आप बोल पाते हैं उनको क्या कहा जाता है? विवृत स्वर के तौर पर जाना जाता है। जैसे बड़ा आ और बड़ा आओ या फिर आओ, जब आप देखेंगे कि आप स्वयं उसका उच्चारण करें तो आपको समझ में आएगा कि आपका पूरा मुख जब खुल जाता है तो आप जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं वह वर्ण क्या कहलाता है? विवृत स्वर के तौर पर जाना जाता है। अब दूसरा होता है संवृत स्वर। यदि आपका मुख बंद है, अब मुख बंद का मतलब यह नहीं है कि आपका पूरा मुख बंद हो जाएगा, हवा के आवागमन के लिए मात्र सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो मुख बंद होने पर जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संवृत स्वर के तौर पर जानते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो आप जब ई बोलते हैं, बड़ी ई बोलते हैं, छोटा ऊ बोलते हैं, बड़ा ऊ बोलते हैं, या फिर ऋ से ऋषि का प्रयोग आप करते हैं, तो इन पांच वर्णों को प्रयोग करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है? संवृत स्वर का प्रयोग करना होता है। तो मुख खुले होने पर विवृत और मुख बंद होने पर संवृत। अब इसके बाद आप देखेंगे अर्ध संवृत और अर्ध विवृत क्या होता है। अर्ध संवृत को समझिए क्या होता है। अगर आपको पहले लिख दिया जाए कि अर्ध विवृत स्वर कौन से होते हैं, तो अर्ध विवृत में आप देखेंगे परिभाषा में मात्र थोड़ा सा अंतर है और उसी थोड़े से अंतर के कारण इसको विभाजित करने में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्ध विवृत आधा खुला, यानी जब आपका मुख आधा खुला हो, परिभाषा इसी प्रकार से आपको देनी पड़ेगी। यदि पेपर में आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा तो आपको इसी प्रकार से उस पर टिक करना होगा। जब आधा मुख खुला होगा, आधा मुख खुला होगा, यहां पर मुख लिख दिया जाए, जब आधा मुख खुला होगा तो इस प्रकार बनने वाले जो वर्ण होंगे वो अर्ध विवृत स्वर के तौर पर जाने जाएंगे। जैसे आप छोटा आ बोलें या फिर आई बोलें या फिर औ का प्रयोग करें, तो जब आपका आधा मुख खुला होगा तो इस प्रकार बनने वाला जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? अर्ध विवृत के तौर पर जाना जाएगा। तीन खंड आपने देख लिए, अगला होगा अर्ध संवृत। विवृत स्वर मुख खुला होने पर बोले जाने वाले वर्ण विवृत स्वर के तौर पर जाने जाते हैं, जैसे बड़ा आ और औ। इसके बाद दूसरा था संवृत स्वर, मुख बंद होने पर बोले जाने वाले वर्ण संवृत स्वर के तौर पर जाने जाते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ से ऋषि। इसके बाद अर्ध विवृत स्वर मुख आधा खुला होने पर बोले जाने वाले वर्ण अर्ध विवृत स्वर के तौर पर जाने जाते हैं, छोटा आ, आई और औ का प्रयोग करने के लिए आपको किनका प्रयोग करना होता है? आपको अर्ध संवृत स्वर का प्रयोग करना होता है। आगे देखेंगे,
अर्ध समृत का मतलब होता है आधा मुख बंद, आधा मुख बंद होगा। यदि आधा मुख बंद होगा तो इस प्रकार के वर्ण को आप क्या कह देंगे, अर्ध समृत स्वर के तौर पर जानेंगे। अब अर्ध समृत लिखने के लिए आपको दो वर्णों का मात्र प्रयोग करना होता है, एक होता है ए बचा हुआ मात्र दो और दूसरा ओ, एक ए और दूसरा ओ। अर्ध समृत आधा मुख बंद होगा ए और ओ। अब आपने देखा कि हमने एक अर्ध विवृत में भी औ लिख दिया और ऊपर जो एक मैंने वो वाला लिखा था विवृत स्वर उसमें भी मैंने औ का प्रयोग कर दिया था। तो औ जो वर्ण है वह एक ऐसा वर्ण है, आप विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ें या विभिन्न प्रकार का अध्ययन करें, कामता प्रसाद गुरु को भी पढ़ें, तो उन्होंने विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर दोनों में ही औ का प्रयोग किया है। ये कोई गलती नहीं है, इसको मैंने जानबूझ के लिखा कि औ का प्रयोग अर्ध विवृत में भी होता है और औ का प्रयोग विवृत में भी होता है, परंतु जब आप औ का उच्चारण करते हैं तो वह मूलतः अर्ध विवृत के तौर पर जाना जाता है। तो विवृत स्वर और अर्ध विवृत दोनों में भले ही मैंने औ लिखा है, परंतु यदि औ आता है और उसका ऑप्शन पूछा जाए तो आपको किसमें लिखना पड़ेगा, अर्ध विवृत में लिखना पड़ेगा। तो अर्ध समृत स्वर कौन कौन से होते हैं, आधा मुख बंद होगा ए और ओ। तो आपने मुख द्वार के आधार पर चार प्रकार से वर्गीकरण देखे, पहला विवृत, दूसरा अर्ध विवृत, तीसरा समृत और चौथा अर्ध समृत। उसके आपको मैंने तीन प्रकार के वर्गीकरण इसमें सिखाए, पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा जिभ्या के आधार पर और तीसरा मुख द्वार के आधार पर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, तो उच्चारण के आधार पर वर्ण को तीन प्रकार से बांटा गया था, पहला था ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ और चौथा तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय आता है, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, उसके बाद दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर में दो से अधिक या तीन मात्रा का समय लगता है। उसके बाद दूसरा आपने बांटा जिभ्या के आधार पर, जिभ्या के आधार पर आपने उसको तीन प्रकार से वर्गीकृत किया, अग्र मध्य और पश्चिम। जिभ्या का आगे का भाग यदि प्रयोग होता है तो वह अग्र स्वर, जिभ्या का मध्य का भाग यदि प्रयोग होता है तो वह मध्य स्वर और जिभ्या का पिछला भाग यदि प्रयोग होता है तो वह पश्चिम स्वर के तौर पर जाना जाता है। फिर आपने मुख द्वार के आधार पर वर्गीकरण किया, समृत अर्ध समृत विवृत और अर्ध विवृत। अर्ध समृत और अर्ध विवृत की परिभाषाओं में थोड़ा सा ही अंतर है, अर्ध समृत जब आप लिखेंगे तो उसको आधा बंद लिखेंगे और अर्ध विवृत जब आप लिखेंगे तो उसको आधा खुला लिखेंगे, बस इतना सा ही उसमें अंतर है। समृत जब लिखेंगे तो मुख द्वार कैसा होगा, बंद होगा और जब विवृत लिखेंगे तो मुख द्वार कैसा होगा, खुला होगा। अब आप आगे चलेंगे और देखेंगे कि दो चीजें छूट गई, अंग और अहा। अब अंग और अहा को छोड़कर सभी प्रकार के वर्णों का हम तीन प्रकार से वर्गीकरण कर चुके हैं। अंग और अहा का वर्गीकरण क्यों नहीं किया गया वो समझिए, आखिरी में लिखा हुआ वर्ण अंग और आखिरी में लिखा हुआ वर्ण अहा, ये क्या है, छोटा आ। छोटा आ या किसी भी वर्ण की सहायता से इसको कहते हैं अनुस्वार, और इसको कहते हैं विसर्ग, अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अब अनुस्वार और विसर्ग में अंतर समझ लीजिए, जिनका प्रयोग दोनों के लिए परिभाषाएं हैं, जिनका प्रयोग किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है क्या कहलाते हैं, वो अनुस्वार या विसर्ग के तौर पर जाने जाते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको कभी भी अगर आपको छोटा आ प्रदर्शित करना है तो आप लिख सकते हैं, छोटी ई प्रदर्शित करना है तो आप लिख सकते हैं, री प्रदर्शित करना है तो आप लिख सकते हैं, या इनके द्वारा आप वर्णों को भी बना सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। परंतु यदि आपसे कहा जाए कि इससे अब बनने वाला कोई वर्ण लिखिए या इससे अब बनने वाला कोई वर्ण लिखिए, तो आपको यह समझना होगा कि इन दोनों से कोई भी प्रकार का वर्ण हम शुरू या किसी भी प्रकार का शब्द हम शुरू नहीं कर सकते, तो इनका प्रयोग किसी ना किसी वर्ण के साथ ही हमको करना होगा, इसलिए इनको किसी भी प्रकार के वर्गीकरण में नहीं लिखा गया। इतना अवश्य ध्यान रख लीजिए कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ऊपर लगी हुई बिंदी क्या कहलाती है, तो ऊपर लगी हुई बिंदी क्या कहलाती है, ऐसे लगाओ किसी भी वर्ण के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, अनुस्वार के तौर पर जाना जाता है, और ये क्या कहलाता है, तो ये विसर्ग के तौर पर
जाना जाता है। अब आगे मैं बताऊंगा कि अनुनासिक क्या होता है, तब बताऊंगा कि अनुस्वार अनुनासिक भी होता है। आप इतना समझ पाए कि छोटा आ से लेकर आहा तक जिन प्रकार के वर्णों को आपने लिखा वो सभी स्वर थे, और कुछ वर्ण ऐसे थे जिनको आपको एक मात्रा का समय लगा तो वह ह्रस्व के तौर पर जाने गए, जिनमें दो मात्रा का समय लगा वह दीर्घ के तौर पर जाने। तो स्वरों के खंडन में आज हम यहीं तक बढ़ते हैं, और आगे आगे आने वाली खंड में, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।